हम सबने बचपन में ढेर सारी कहानियाँ सुनी हैं। कुछ कहानियों ने हमें हंसाया है, कुछ कहानियों ने चैन की नींद सुलाया है और कुछ कहानियों ने हमें बचपन में डराया है। छोटी उम्र में हम सबको वो कहानियाँ सच्ची लगती थी, बट एज वी ग्रू ओल्ड वी रियलाइज दैट ऑल दो स्टोरीज वर जस्ट एन इमेजिनेशन एंड नथिंग एल्स। लेकिन अगर बचपन में सुनाई गई कहानी आगे चलकर आपकी जिंदगी का एक डरावना सच बन जाए तो What if those fairy tales eventually become a horrific, inescapable reality? ऐसी ही एक कहानी है बुलबुल, which is streaming on Netflix. With this video essay, I'm going to try my best to explain why I was absolutely mesmerized after watching Bulbul. And also I will attempt to express my deepest respect for those जिन्होंने अन्विता दत्त की लिखी हुई इस खूबसूरत कहानी में रंग भर दिए। Now, along with the thought-provoking story, there is another important aspect that sets this film apart. In fact, this is something that enables the audience to fully immerse themselves in the story by adding a feel to it. This aspect is called the treatment of the story, मतलब एक कहानी को दर्शाने का तरीका, how a story is empowered with visuals. The treatment of the story proves to be very crucial in order to communicate the essence and emotions of the characters. It is an amalgamation of visuals which are intelligently structured and complemented with various technical aspects like background music, sound and colors. Now this is the story of Bulbul and a journey of the transformation of her innocence into a feeling of revenge and rebellion. और इस ट्रांसफॉर्मेशन को पोर्ट्रे करने के लिए दो कलर्स का यूज किया गया है, टील विच इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड ब्लू एंड द सेकेंड वन इज अ डार्क शेड ऑफ रेड। इनफैक्ट इस पूरी कहानी को इन दो कलर्स की हेल्प से डिवाइड किया गया है एंड दीज टू कलर्स आर यूज टू डिपिक्ट द ऑरा ऑफ आर प्रोटैगनिस्ट। द स्टोरी बिगिंस विद द वेडिंग ऑफ बुलबुल हु इज जस्ट 5 years ओल्ड। नाउ दिस इज नॉट द ओपनिंग फ्रेम ऑफ द फिल्म, but please don't worry as we will talk about each and every scene and keep connecting them throughout this essay for a better explanation. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक 5 साल की बच्ची जिसे शादी के पवित्र बंधन की अहमियत का कोई अंदाज़ा नहीं है, she is completely unaware about the complexity and the concrete nature of this event. पहले हमें लगता है कि बुलबुल की शादी सत्या से हो रही है जो लगभग 7-8 साल का लड़का है और बहुत कम समय में वो बुलबुल का दोस्त भी बन जाता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि असल में बुलबुल की शादी सत्या से नहीं बल्कि उसके बड़े भाई इंद्रनील से हुई है और ये बात इंद्रनील खुद बुलबुल को समझाता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब पति और देवर का फर्क समझ आएगा। अब इस सीन में जहाँ बुलबुल की शादी होती है वहाँ आपको टील कलर की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। दिस कलर हैज़ बीन यूज टू एसोसिएट विद द वर्ल्ड ऑफ बुलबुल। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बुलबुल की जो वेडिंग ड्रेस है दैट मेक्स द प्रेजेंस ऑफ आर कैरेक्टर वेरी स्ट्राइकिंग। व्हाइल द इंटायर सराउंडिंग हैज़ बीन पोर्ट्रेट यूजिंग द टील कलर पैलेट, द डार्क रेड कलर ऑफ हर ड्रेस इज रिप्रेजेंटिंग अ सेग्रीगेशन ऑफ आर प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम हर ओन वर्ल्ड। हमारी 5 साल की बुलबुल अपनी दुनिया को छोड़कर एक नए घर में जा रही है। इसके बाद ये फिल्म एक नॉन लीनियर अप्रोच को फॉलो करती है विच इवेंचुअली मेक्स इट अ ग्रिपिंग थ्रिलर। एज द स्टोरी कंटिन्यूज वी गेट टू सी द प्रेजेंस ऑफ दैट सेम टील कलर शेड टू रिप्रेजेंट द पर्सोना, इनोसेंस एंड द कामिंग नेचर ऑफ आर प्रोटैगनिस्ट। बुलबुल के नए घर में उसका एक लौता दोस्त सत्या उसे हमेशा खुश रखता है और उसे एक अनजानी जगह पर होने के बावजूद अपनेपन का एहसास कराता है और धीरे धीरे बुलबुल और सत्या की रिलेशनशिप दोस्ती से आगे बढ़कर और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। लेकिन इंद्रनील को उन दोनों का इस तरह से करीब आना पसंद नहीं आता और इस आग में घी डालने का काम करती है इंद्रनील के भाई महेंद्र की वाइफ बिनोदनी। इसके बाद हम उस इवेंट की तरफ बढ़ते हैं विच विल प्रूव टू बी आर प्रोटैगनिस्ट्स बिगेस्ट नाइटमेयर। इंद्रनील डिसाइड करता है कि वो सत्या को वकालत करने के लिए लंदन भेजेगा। ये सुनते ही बुलबुल घबरा जाती है और इंद्रनील का शक बढ़ने लगता है। लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग दिस स्टोरी इन्वॉल्व्स द यूसेज ऑफ टील एंड रेड कलर टू रिप्रेजेंट अ ड्रास्टिक चेंज इन द लाइफ ऑफ आर प्रोटैगनिस्ट। इससे पहले हमने हर सीन में टील कलर की प्रेजेंस को देखा बट दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी नोटिस द एंट्री ऑफ द रेड कलर शेड। इन दिस सीन
The red color is hinting towards the jealousy and anger of Indraneel, who eventually gets to know about the everlasting bond between Satya and Bulbul. And now, this is the moment when he gets infuriated and decides to punish our protagonist for crossing her line. Now, this is a very important scene for the entire film, as it includes an immaculate mixture of editing and background score, along with a pinch of expressionism to portray the beginning of a new phase in the life of Bulbul. Indraneel becomes merciless towards Bulbul and starts beating on her legs with an iron rod. इस सीन की शुरुआत में हम देखते हैं एक पेंटिंग की तरफ, जिसमें एक राक्षस तलवार से चिड़िया के पैरों को काट रहा है। अब अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो बुलबुल की शादी के समय उसकी पिशी माँ ने पैरों में बिछिया पहनने का कारण बताया था कि पैरों की उंगली में एक नस होती है, जिसे दबाओ नहीं तो लड़की उड़ जाती है, बिल्कुल एक चिड़िया की तरह। बुलबुल, हमारी नन्ही सी चिड़िया, जिसके पंख उसके पैर थे, और ये बात हमें फिल्म के ओपनिंग फ्रेम में भी बताई गई थी। बट नाउ इट वॉज दैट मोमेंट वेन हर विंग्स ऑफ फ्रीडम will face the brutality and harshness of the antagonist. The operatic execution of this event in the film is pure cinema, and I am genuinely going to remember this scene for a very long time. Indraneel ke gusse ka shikar banne ke baad, ye puri haveli hamari bulbul ka pinjra ban jati hai. Aur Thakur Indraneel is gunah ke saaye mein apni haveli ko chhod kar chale jate hain. Bulbul ki halat ek ghayal chidiya ki tarah ho jati hai, जिसका इलाज करने आते हैं डॉक्टर सुदीप, द ओनली पर्सन हु ट्रूली अंडरस्टैंड्स द पेन ऑफ बुलबुल। बट देन दिस अनफॉर्चुनेट इवेंट प्रूव्स टू बी जस्ट द बिगिनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर आर प्रोटैगनिस्ट। वी विटनेस अनदर सिनफुल एक्ट ऑर्केस्ट्रेटेड बाय इंद्रनील्स यंगर ब्रदर महेंद्र, हु बिकम्स अ प्रेडेटर टू सैटिस्फाई हिज लस्ट। बुलबुल लीव्स दिस वर्ल्ड इन पेन एंड ग्रीफ, विच गोज अननोटिस्ड बाय एवरीवन, but not by the Almighty. Now comes that moment when the drastic transformation of innocence into a feeling of rebellion takes place. Now is the time when the color palette shifts from teal to a dark side of red. The blood moon becomes a sign of the apocalypse, and Bulbul has now become the incarnation of Goddess Kali. She starts killing all those monsters who have tormented the lives of women like herself, and proves to be a messiah for everyone who suffers from the wrath of injustice. But in the end, just like a fairy tale, we witness the sacrifice of Bulbul. Satya ko finally ye baat pata chalti hai ki jis chudail ke dar se pura gaon ghira hua hai, wo chudail asal mein ek devi hai. Wo devi jisne pure gaon ki ladkiyon aur auraton ko mardon ke atyacharon se bacha rakha hai. वो देवी जिसने औरतों की इज्जत ना करने वालों को उनकी गलती की सज़ा दी है, और वो देवी जिसने एक असुर का वध करके खुद पर हुए जुल्मों का बदला लिया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, और सत्या चाहकर भी अपनी बुलबुल को नहीं बचा सकता, इसलिए वो उस हवेली को छोड़कर चला जाता है। बुलबुल एक ऐसी कहानी है जो कई सारे इश्यूज़ पर एक सोशल कॉमेंट्री का काम करती है। ये फिल्म औरतों पर होने वाले अत्याचारों और उस अत्याचार के खिलाफ लड़ने की भावना को दर्शाकर हमें इंस्पायर करती है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, इस फिल्म की कहानी का इमोशनल इंपैक्ट कन्वे करने के लिए इस कहानी के ट्रीटमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। आई ऑल्सो लव द डायनामिक पेसिंग ऑफ दिस फिल्म, विच कंपेल्स द ऑडियंस टू स्टे फोकस्ड ऑन ईच एंड एवरी सीन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट पे अटेंशन टू दिस सीन, you will miss the fact that Indraneel has a twin brother. I want to congratulate the entire team of Bulbul for bringing us such a meticulously crafted film. And once again, I hope that we get to feast our eyes and senses very soon with many more stories like Bulbul. So guys, what do you think about this film? Let me know in the comments, and I will be back soon with another video. Till then, my name is Porush. You're watching the 70mm show. Long live cinema.